की जय। संघर्ष के साथ हरी चलाते और देखते हुए आज चित्रकूट के पावन धरती पे हम लोग पावन देव स्थल जिनको अश्वत्थामा नाम से जाना जाता है वहीं उनका जन्म दिवस था, यहीं उनका वास है जिसको हम बेधक के नाम से जानते हैं। और ये जो प्राकृतिक की गोद में बना है, झरने हैं, एक वहाँ झरना है जिसका पानी आप सेवन करेंगे, कितना भी खाना खाइए वो तुरंत उसमें प्रोटीन सब कुछ मात्रा में, कैल्शियम वगैरह बहुत मात्रा में पाया जाता है। आप दृश्य देखेंगे कि लोग पैदल भी आते हैं, गाड़ी से बहुत से लोग आते हैं और उनकी कृपा से सब लोग अच्छे हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण है। देख सकते हैं कितना दुर्गम रास्ता है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है पहाड़ों का। अभी बारिश हो गई है इसके लिए गाड़ी भी स्लिप कर रही है। आज हम चित्रकूट की पावन धरती पर जो यहाँ वेधक है, यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है, काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कल गुरु पूर्णिमा थी 2020 की, तो आज हम सभी अपने जो मित्र थे पुराने, जो अपने साथ बचपन में पढ़ते थे, उनके साथ आज वेधक आए थे। धारकुड़ी के पास में लगभग 7-8 किलोमीटर और चित्रकूट से मानिकपुर से लगभग ये 20-22 किलोमीटर दूरी है। और आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा बारिश की वजह से रास्ता खराब हो गया है और कितना ये दुर्गम रास्ता है, बहुत ही ये दुर्गम रास्ता है और बहुत ही बारिश के कारण रास्ता क्योंकि कच्चा था और दोमट मिट्टी है, इसके लिए गाड़ी बहुत स्लिप कर रही है। अपने सभी साथी देख सकते हैं, अभी तो यहाँ कम कीचड़ है, इसके पहले काफ़ी कीचड़ से गुजरते हुए आए हैं। और आप कभी ज़रूर आए वेधक दर्शन करने के लिए। अपने मोनू भाई जी आ चुके हैं, सभी आ गए। हाँ, बस उतनी भाई बचे हैं। ठीक, निकल चुके हैं।